नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार क्लास स्टडी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में। आज मैं बात करने वाला हूं एसएससी जीडी भर्ती 2018 के बारे में। जी हां, जैसे कि आपने इस वीडियो का थंबनेल में देख लिया होगा, इस वीडियो में ठीक है, तो इसमें जो वैकेंसी निकली है 54,953 वैकेंसी निकली है, बहुत ही बम्पर वैकेंसी हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, इसमें जो है वह 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, जो बच्चा 10वीं पास है वो इस फॉर्म को भर सकता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन ये है, ठीक है, आज ही का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है, यानी जो रजिस्ट्रेशन होता है आपका, और इसके बाद में आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। बट बच्चे फॉर्म भर रहे थे तो उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, ठीक है, फॉर्म को भरना, तो वो बोल रहे थे मुझसे, सर ये फॉर्म भरा जा रहा है बट ये फॉर्म हमारा सबमिट नहीं हो रहा। तो मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगा, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो, आप इस सब को पढ़ के। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इसकी जो है यह 17/8/2018 AM से यह स्टार्ट होगी वेबसाइट, जैसे कि इन्होंने लास्ट के नोटिफिकेशन में डाला था, और 17/9/2018 इसकी लास्ट डेट हो जाएगी शाम को 5 बजे। ये था इसका लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन। बट इन्होंने क्या काम करा है, इन्होंने 14/8/2018 से यह साइट अपनी ओपन कर दी, यानी जो फॉर्म फिलअप होने लगे वह 14/8/2018 से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने साफ साफ लिखा है, ठीक है, जो हमारा 17/8/2018 को, ठीक है, 10 बजे से ही, ठीक है, जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमारा यहाँ पे पढ़ो, देखो आप इस वाली लाइन में पढ़ो, यहाँ पे देख सकते हो आप, इसने क्या बोला है कि जो वेबसाइट है, ठीक है, वह 14/8/2018 से तो स्टार्ट हो गई है, ठीक है, बट जो हमारा फॉर्म सबमिट होगा ना, सबमिट हमारा इसके बाद ही होगा। यहाँ पे देखो, सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर 17/8/2018, यानी 17/8/2018 के बाद ही हमारा फॉर्म सबमिट हो पाएगा। तो बच्चे जो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, आपका फॉर्म जैसा है वन टाइम पासवर्ड आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा वेट करो 17 तारीख का, ठीक है, आपका 17 तारीख या 18 तारीख में आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और सही है, सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसको फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं एसएससी वेबसाइट पे आ गया हूँ, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए। तो आप एक एक प्रोसेस को प्लीज़ पूरा देखें, ठीक है, तो आपको तभी समझ में आएगा कि ये फॉर्म किस तरीके से फिलअप होगा। आपको मैं सबसे पहले ये बता दूँ, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए 4 स्टेज दी रखी हैं, ठीक है। सबसे पहले बेसिक डिटेल, एडिशनल डिटेल, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल, जो हमारा कॉन्टैक्ट वगैरह होता है, ठीक है, और अदर डिटेल। तो इसमें 4 डिटेल भरी जाएंगी, ये 4 तभी हमारी ग्रीन हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद हमारा फॉर्म हमारा सबमिट करने के लिए मांगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में बेल आइकन भी दबा दो, ताकि इससे आने वाला अगला नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं कि आपको SSC, ठीक है, .nic.in, ठीक है, SSC.nic.in, ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है। आप यहाँ से जाके फॉर्म को अपना फिलअप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे भी नहीं जाना चाह रहे तो इसके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने आपको ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, आप इसका नोटिफिकेशन भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बताता हूँ अब किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, डू यू हैव आधार, या अगर आपके पास में आधार कार्ड है, ठीक है, तो यस कर दो, ठीक है, अगर नहीं है तो नो ही रहने दो, ठीक है। सपोज़ करो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको यस कर दिया, जैसे ही हम यस करते हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर मांगेगा, यहाँ पे वेरीफाई आधार कार्ड नंबर मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर होता है, यहाँ पे हमें वो डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने नंबर इसमें डाल दिया, ठीक है, अब हमें क्या करना है, यह हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। जैसा ये है नंबर, हमें वैसा ही नंबर डालना है, ठीक है। तो आप देखते जाना कैसे कैसे नंबर डाल लें हम। ठीक है, ये हमारा आधार कार्ड नंबर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब नीचे जाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पे टाइप आईडी, ठीक है, जो हमारी हम किस तरीके से अपनी आईडी लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम वो आईडी लगाएंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है।
देखो जैसा मैंने आपको ये बताया है, इसमें जो है आपको आईडी डालनी है, ठीक है। बट इसमें अभी आपकी आईडी खुलेगी नहीं। जैसे क्यों नहीं खुलेगी मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि आपने पहले ही आपने एक आईडी डाल चुके हो। यहाँ पे आप देख सकते हो आप अपनी आईडी डाल चुके हो, ठीक है। सपोज़ करो अगर आपके पास में ये आधार कार्ड नंबर है नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नो करना है। यहाँ पर जैसे ही आप नो करोगे तो देखो यहाँ पर ये ऑफ हो गया। अब आप यहाँ पर इस फॉर्म में कुछ नहीं भर सकते आधार कार्ड नंबर में, ठीक है। आप फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप कुछ भर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये कितनी आईडी आई है। आप तो ड्राइविंग लाइसेंस डेटा, एम्प्लॉय आईडी या पैन कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है, कॉलेज आईडी या फिर वैलिड जो वोटर आईडी कार्ड होता है, ठीक है। वो जैसे सपोज़ करो आपके पास में पैन कार्ड है, ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे फिर ओके कर देना, आपका ये आईडी नंबर यहाँ पे, पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है आपको, ठीक है। फिर इसके नीचे क्या करना है आपको, यहाँ पे अपना नाम डालना है आपको, ठीक है। जैसे मैं डाल के दिखाता हूँ अपना नाम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वेरीफाई मांग रहा है, इसके नीचे यहाँ पे मांग रहा है ये वेरीफाई की, वेरीफाई करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा अपना नाम डालना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जैसे ही अपना नाम डालोगे, यहाँ पे देखो अपना नाम डाल दिया आपने, ठीक है। जैसे ही वेरीफाई करोगे आपको यहाँ पे मांगेगा हैव यू चेंज नेम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नो ही रहने देना है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये न्यू नेम, यहाँ पे कुछ नहीं भरना आपको, पहली बात तो ये ओपन ही नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में आपको डालना है यहाँ पे फादर्स नेम, और यहाँ पे दोबारा अपना फादर्स नेम डालना है क्योंकि आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो मैं आपको ये इसमें डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे ये नाम डाल दिया है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमने ये नाम डाल दिया है यहाँ पे फादर्स नेम, ठीक है। अब आप यहाँ पे मदर्स नेम डालना है, ठीक है। अब आगे देखो आगे क्या करना है, यहाँ पे जब हमने वेरीफाई भी कर दिया मदर्स नेम, आगे डालना है हमें डेट ऑफ बर्थ। आपको डेट ऑफ बर्थ कैसे डालनी है और वेरीफाई करनी है आपको डेट ऑफ बर्थ, यानी दोबारा डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो आपको जो डेट ऑफ बर्थ के सामने वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। आपको ये सामने वाला बॉक्स ये यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ का ये कॉलम आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे कॉलम आएगा ये यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, तो आप इसको फिलअप कर लेना। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको अपना बोर्ड डालना है, ठीक है, एजुकेशन बोर्ड। आपको क्या करना है, जैसे आप इसके ऐसे करोगे, आप सपोज़ करो जैसे सीबीएसई बोर्ड है तो इस पे ही रहने देना है, ठीक है। जैसे अदर कोई सा बोर्ड वगैरह है, जैसे और कोई सा बोर्ड है, ठीक है, तो आपको वो बोर्ड डालना है। जैसे उत्तराखंड बोर्ड है, ठीक है, जैसे उत्तराखंड बोर्ड है, ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, इस तरीके से करना है। देखो यहाँ पर आ गया, फिर दोबारा आपको क्या करना है, उत्तराखंड बोर्ड पर जाना है, ठीक है। जैसे ही आप उत्तराखंड बोर्ड पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे देखो ये आ गया उत्तराखंड बोर्ड, ठीक है, और इस पर क्लिक करना है। अभी जैसे आप अपना यहाँ पे बोर्ड डाल दोगे तो आपको आगे डालना है रोल नंबर, ठीक है। फिर आपको दोबारा से वेरीफाई करना है रोल नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे रोल नंबर डाल के दिखाता हूँ मैं, सपोज करो जैसे, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बोर्ड आ गया है। अब क्या करना है आपको, आगे पासिंग ईयर डालना है, ठीक है। फिर आपको वेरीफाई करना है पासिंग ईयर, दोबारा डालना है पासिंग ईयर, यहाँ पे क्लिक करना। सपोज़ करो जैसे आपने यहाँ से ये 2012 पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आपने जैसे दोबारा वेरीफाई करोगे तो आप जैसे 2012, आप मेल हो तो मेल डाल देना, ठीक है। आपने
इंटरमीडिएट आगे मांगेगा ये इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट की कैसी डिटेल डालनी है आपको, यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आपको ये आप क्लिक करोगे तो आप इंटरमीडिएट हो या हाई स्कूल हो, ठीक है, जैसे हाई स्कूल है मैंने हाई स्कूल डाल दिया। फिर आगे डालना है अपना मोबाइल नंबर, जैसे मोबाइल नंबर मैं अपना डाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। फिर आगे क्या करना है आपको, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है, ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है आपको, आप ठीक है, जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे, जैसे सपोज़ करो जैसे आपकी ईमेल आईडी जैसे GFPR कुछ भी हो सकती है आपकी ईमेल आईडी, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, सपोज़ करो जैसे gmail.com पे आपकी ईमेल आईडी है, ठीक है, जैसे आपने ये डाल दी, फिर आपको क्या करना है, आगे डालना है आपको स्टेट, ठीक है, आपको स्टेट जैसे ही आप डालोगे यहाँ से क्लिक लेके आना है, जैसे सपोज़ करो उत्तर प्रदेश का है, फिर आगे क्या करना है आपको, सेव करना है, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे सेव करने वाला हूँ इसको, ठीक है, जैसे ही मैंने आप यहाँ पे सेव करा, ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्म मांगने लगा, मैं यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे ही मैंने कंफर्म करा, ठीक है, तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट के लिए मांगेगा, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, ठीक है, तो आपको इस तरीके का विंडो खुल के आ जाएगी आपके सामने। देखो मेरे मोबाइल नंबर पे, ठीक है, पासवर्ड और जो RID नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वह पहुंच चुका है, तो मैं अब आपको इसको लॉगिन करके बताता हूँ किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब हम मैं लॉगिन करूँगा, यहाँ पे तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डालूँगा, यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूँगा जो मेरा पासवर्ड आया है, और यहाँ पे मैं नीचे कैप्चा कोड डालूँगा इसमें, ठीक है, तो मैं अब आपको डाल के दिखाता हूँ किस तरीके से डालना है। अब आप ये सोच रहे होंगे यार लॉगिन कैंडिडेट कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, कहीं नहीं जाना, ये लॉगिन का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप वहाँ से जाके चेक कर लेना इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, ये कैप्चा कोड यहाँ पे ये डाल दिया जो कैप्चा कोड है। अब मैं लॉगिन करने वाला हूँ, जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे देखो सेव का ऑप्शन आ रहा है, मैंने सेव भी कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको बार बार डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये एरर बताएगा। क्यों बताएगा मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि उस पर साफ लिखा हुआ है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 17 के बाद में ही सबमिट होगा, ठीक है। जो मेरा प्रोसीजर था, जो हमारा प्री आईडी आएगा, RID यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जैसे आपको बता दिया है, यह है आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, ठीक है, और इसके बाद में जो आपका जो पासवर्ड वगैरह आया है, ठीक है, बस आपको यही मिलेगा 17 तारीख से पहले, और इसका जो फॉर्म फिलअप होगा वह 17 तारीख के बाद में ही होगा, तो आप अपना फॉर्म इसके 17 तारीख के बाद में अपना फॉर्म फिलअप कर लेना, यानी 17 या 18 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा जो सबमिट होगा, क्योंकि अभी जो आया है सिर्फ आपका RID नंबर और पासवर्ड ही आपका आया है। तो ये था इस वीडियो में, ठीक है, अब जो बच्चे कन्फ्यूज थे उनको मैंने बता दिया, सिर्फ आपका ये प्री फॉर्म ही फिलअप होगा, यानी एक ही स्टेज भरी जाएगी, दूसरी स्टेज भी नहीं भरी जाएगी, चारों कंप्लीट नहीं होगी। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।